नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो एक बार पर्दे पर आईं और छा गईं। अब आपको रॉकस्टार और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस नरगिस फाखरी तो याद होंगी ही। नरगिस फाखरी अपनी हॉट और बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर हैं। नरगिस जल्द ही भूषण पटेल की फिल्म अमावस में दिखने वाली हैं। इस फिल्म में नरगिस के अपोजिट सचिन जोशी नजर आएंगे। बीते दिनों से ही फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। स्टार्स शहर शहर जाकर अपनी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के प्रमोशन से फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस नरगिस फाखरी ही गायब है। बताया जा रहा है कि नरगिस अमावस के प्रमोशन को छोड़कर अमेरिका चली गई हैं। इस बात से मेकर्स काफी परेशान हैं। मेकर्स को लग रहा है कि आखिर कैसे नरगिस फिल्म का प्रमोशन बीच में ही छोड़कर चली गई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि नरगिस अमेरिका अपने बॉयफ्रेंड की वजह से गई हैं। कहा जा रहा है कि बीते दिनों ही नरगिस का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद नरगिस काफी परेशान चल रही हैं, इसलिए वो इस वक्त इंडिया में नहीं हैं और ना ही अपने फिल्म को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन ऐसे में इसका सीधा असर फिल्म के मेकर्स पर पड़ रहा है और हो सकता है कि फिल्म की कमाई पर भी इसका असर पड़े, क्योंकि सबको ही पता है कि फिल्म के प्रमोशन के बाद फिल्म की कमाई को ही लोग देखते हैं। जब कमाई कम होती है तो कहा जाता है कि शायद फिल्म का प्रमोशन ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। खैर, अब जो भी हो, नरगिस के बिना इस फिल्म का प्रमोशन इस वक्त चल रहा है। बता दें कि अमावस एक हॉरर फिल्म है। फिल्म को भूषण पटेल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में मोना सिंह और अली असगर जैसे स्टार भी नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड के और गॉसिप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।